चुप हो जा। तू दिन भर लड़के से बात क्यों करता रहता है क्लास में? सॉरी मैडम जी, मैं ना बहुत गरीब लड़का हूँ, तो मैं सारी बातें ना यहीं पे कर लेता हूँ सभी लड़कियों से। बाकी लड़के तो घर पे सारी बातें करते हैं, व्हाट्सएप से करते हैं, किसी ने तो वाईफाई भी लगा रखा है। मैं क्या करूँ, मुझे यहीं पे सारी बातें करनी पड़ती है। बताओ आप, या तो कोई मुझे हॉटस्पॉट दे देना तो मैं बात कर लूँ, पर कोई भी नहीं देता, हॉटस्पॉट भी नहीं देता मुझे, तो क्या करूँ आप बताओ। तभी मुझे सारी बातें यहीं करनी पड़ती है, और आप भी बुरा मान रहे हो, आप भी मुझे डांट रहे हो मैम। अर्ज किया है, उनकी गली के चक्कर काट काट कर हम कुत्तों के भी यार हो गए। उनकी गली के चक्कर काट काट कर हम कुत्तों के भी यार हो गए। वो तो हमारे ना हो सके मगर कुत्तों के सरदार हो गए। अरे बेटा, दिन भर मोबाइल देखते रहते हो, मोबाइल के अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीजें है। हाँ माँ, मोबाइल के अलावा चार्जर और ईयरफोन भी जरूरी है। तू नहीं सुधरेगा। जरा गौर से सुनना, फायर को आग कहते हैं, कोबरा को नाग कहते हैं। फायर को आग कहते हैं, कोबरा को नाग कहते हैं। और जो परीक्षा के समय काम ना आए उसे स्टूडेंट का दिमाग कहते हैं। अर्ज किया है, एग्जाम के टाइम पे सब पढ़ते हैं बनकर उल्लू, मगर फिर भी मिलता है हर बार बाबा जी का थुल्लू। बेटा आगे क्या करोगे? आंटी आंटी, आपके जाने के बाद ना सबसे पहले मैं बिस्कुट खाऊंगा, और उसके बाद समोसे खाने थे, वो तो आपने छोड़े नहीं। गंदी आंटी। जानू, पता है मैं कितनी भाग दौड़ करती हूँ तुम्हारे लिए? घर का काम करते करते ना मेरे हाथ छोटे हो गए। क्या, वो कैसे? तुमने नापे थे क्या? शादी से पहले ना एक्सरसाइज करते हुए मेरा हाथ ना पैर के अंगूठे तक पहुंचता था, और अब शादी के 12 साल के बाद मेरा हाथ पैर के अंगूठे तक नहीं पहुंच रहा है। देखो छोटे हो गया ना। मैटर होने से पहले ही मैटर सॉल्व किए बैठे हैं। होशियार लोग वो है जो अपने कास्ट में ही प्यार किए बैठे हैं। जानू एक बात पूछूं, अगर मैं मर जाऊंगी तो तुम क्या करोगे? मैं भी मर जाऊंगा। पर तुम क्यों मरोगे? तेरे चक्कर में ना उधारी इतनी होगी कि अब जीना मुश्किल है। अंकल दीदी, पापा बोल रहे थे न्यूज वाले पूरे दिन भर एक ही न्यूज क्यों दिखाते रहते हैं? अपने पापा को ना बोल देना, न्यूज वाली दीदी बोल रही थी पूरे दिन भर क्यों देखते रहते हो न्यूज, कोई काम धंधा नहीं है। तुम समझते क्या हो अपने आप को? पता है मुझे दूर दूर से रिश्ते आते थे। हाँ हाँ, नजदीक वाले तो तुम्हारे लक्षण जानते होंगे।